से वादा किया था कि एक एक चीज़ें एक एक बात आपको बताऊंगा और यहाँ की एक एक चीज़ दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जिस गौरशाला में आज खट्टा प्रहलादपुर में हम पहुंचे हैं उसका नाम है व्रत गौर संरक्षण केंद्र ग्राम खट्टा प्रहलादपुर बागपत। देख सकते हैं व्रत का मतलब है सबसे बड़ी गौशाला, एक ऐसी विशाल गौशाला। लेकिन जब हमने संरक्षण देखा तो उसमें नजर आपको मैंने सारी चीज देखने को मिलेगी, एक एक बात दिखाएंगे। अभी ग्राम प्रधान को हमने फोन लगाया, यहाँ पर जब हम पहुंचे तो ना हमें डॉक्टर मिला ना कोई मिला, हमें नजारा मिले। भूसे की बात करें, इनके चारे की बात करें तो चारा भी हमने देखा कि किस तरीके से फूले काट करके जो है इनको चारा खिलाया जा रहा है, चारे के नाम पर पौष्टिक आहार के नाम पर इनको किस तरीके से जहर खिलाने का कार्य किया जा रहा है। खट्टा प्रहलादपुर की खट्टा प्रहलादपुर गौशाला में चारे के नाम पर सूखा फूसा खाने को लाचार बेसहारा मजबूर पशुओं की हालत बस। नमस्कार, मैं नीरज गुप्ता बागपत और आप देख रहे हैं लाइव लोकवाणी न्यूज टीवी मेरे साथ। जी हाँ, जिस तरीके से आपको मैं बता दूं कि आज खट्टा गांव में पहुंचा हूं और खट्टा गांव में पहुंचा था गौशाला का एक तरीके से जो है कवरेज करने के लिए, यहां का मुआयना करने के लिए कि आखिर क्या कुछ है यहां पर व्यवस्था। तो जैसे ही मैं सिर्फ बिना कैमरे के यहां पर जो है मुआयना कर रहा था, उस मुआयने के दौरान जो यहां की स्थिति नजर आई मुझे, जितनी बड़ी गौशाला जो है खट्टा प्रहलादपुर की कही जाती है उतने ही कम जो है कार्य नजर यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर व्यवस्थित ढंग से किसी भी तरह की कोई व्यवस्था, जिस तरीके के दावे और वादे किए जाते हैं और दम भरे जाते हैं, उसमें जीरो एंड जीरो हमारी नजर में नजर आते हैं। मैं आपको जो है यहाँ पर जैसे हम मुआयना कर रहे थे अपने कैमरामैन के साथ में, तो हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह की यहाँ पर भयावह स्थिति बनी हुई है और देखते ही आपके रोंगटे खड़े होकर देने वाली ये खबर होगी जब आप लोग इसको हमारे दर्शक देखेंगे और क्या कहेंगे, कुछ कहने का भी शायद हो सकता है, शब्द भी व्यय करने के लिए आपके पास ना हो, ऐसी स्थिति। जी हाँ, गौशाला में गायें जब बीमारी से या किसी कारणवश जो है मर जाती है तो उसका जो है बाकायदा जो है क्रियाक्रम यानी कि जो है पूरी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से किया जाता है। लेकिन उसके बाद जब हम यहाँ पर जो है खट्टा प्रहलादपुर की सबसे बड़ी गौशाला में आते हैं तो सबसे छोटा काम यहाँ पर हमें नजर आता है। चलिए आप लोग दिखाइए, हमारे कैमरामैन इधर है और ये गड्ढा पूरा जो है भर चुका है, ऐसा यहाँ के जो कामगार हैं उनका कहना है, उनका कहना है कि ये गड्ढा भर चुका है जिस वजह से ये स्थिति है। देख सकते हैं आप कितनी बुरी स्थिति, बदतर स्थिति हम इसे कहेंगे कि यहाँ पर देखने और शब्द व्यय नहीं कर पा रहा हूँ, मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि कितनी भयावह स्थिति यहाँ पर बनाई गई है यहाँ के जो कामगार हैं यहाँ के जो लोग हैं उनके द्वारा। सेवा के नाम पर कहें तो या फिर कहें योगी राज में किस तरीके से जो है गौशालाओं में ये भद्दर स्थिति जब सामने आती है, सच्चाई हमारे से रुक नहीं पाती है, ये हमें दिखाना पड़ता है। क्योंकि जब जब इस तरह की भयावह स्थिति होती है तब तब कानून और सरकार पर जो है सवाल उठते हैं, क्यों ना उठे। क्या है सबसे पहले आपका नाम बताओ? प्रफुल्ल। प्रफुल्ल जी क्या करते हैं आप? गौशाला में काम करते हो। तो जिस तरीके की हमने स्थिति देखी खाने की पूरी इसकी जो चारे की, सामने हमारे कैमरे पे रिकॉर्ड है सारी चीज, आपको बिल्कुल भी डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जो बात सच है सिर्फ वही बताइएगा कि यहाँ पर जैसे हमने पहुंचा और हमने देखा तो ये जो फूसा जो है खिलाया जा रहा है गायों को, आपको लगता है ये पौष्टिक आहार होगा गायों के लिए? नहीं है ना, नुकसान पहुंचा। देखा अभी शटर खोला तो गायें जिस तरीके से अंदर घुस रही थी ऐसा लग रहा था जैसे इनको कुछ अलग मिल गया खाने के लिए, यानी कि कहीं ना कहीं प्रतिदिन जो है ये खिलाया जा रहा है इनको। कितने दिन कितने टाइम जो है इसका खाना जो है कराया जाता है, चारा डाला जाता है पशुओं को? दो टाइम गिरा जाता है। कौन कौन से टाइम है वो जो आप बताना चाहोगे? एक यानी कि 10-11 बजे के बाद सुबह के टाइम। ओके, और शाम को? शाम को लगभग कितना टाइम होगा? 4-5 तो बज जाते होंगे शाम के टाइम, गिर जाता है इनको खाना। लेकिन जैसे अभी मैं देख पा रहा हूँ कि मेरी घड़ी में 4:43 हो चुकी है, अभी मैंने वहाँ देखा तो कोई ऐसी स्थिति नहीं है। चारे के नाम पे वहाँ फैक्ट्री डाली हुई है, फैक्ट्री है ना, वो फिटकड़ी बोलते हैं उसको, वो डाली हुई है, नमक डाला हुआ है, वो चाट रहे हैं बस। तो इनको भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, इधर उधर फिर रही हैं, और जो हमने देखा अधमरी गायें भी हो चुकी हैं और गायों की स्थिति देखी हमने जो है उनके क्रियाक्रम के नाम पर जो है इस तरीके की जो है व्यवस्था वहाँ पे नजर आ रही है कि खुले में जो है डाल दी गई है, क्या ये नहीं होना चाहिए। तो क्या कहना चाहोगे, मतलब आप क्या कुछ बताना चाहोगे यहाँ की व्यवस्था के बारे में? आपको आपके मुताबिक जो हम बात कर रहे हैं सही है, आपके मुताबिक व्यवस्था ठीक है? ठीक है, मतलब चारा नहीं है, चारे के नाम पे भूसा खिलाया जा रहा है, फिटकरी खिलाई जा रही है,
दबाने के नाम पे, क्रियाक्रम के नाम पे जो है खुले में उसको जो है उसके अवशेषों को छोड़ दिया जा रहा है, तो ये व्यवस्था ठीक है? डॉक्टर यहाँ आ नहीं रहा है, व्यवस्था ठीक है? कोई नहीं है ना, गलत है ना ये चीज? तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये भाई बिल्कुल सहमे हुए हैं और अपनी बात को जो है खुल के जो है कैमरे पे नहीं बोलना चाह रहे हैं, कह सकते हैं कि अच्छा कितना आप लोग कितने लोग हैं यहाँ पे जो काम कर रहे हैं यहाँ पे? अभी तीन हैं, लेकिन कुल कितने आदमी काम कर रहे हैं यहाँ पे? आठ आदमी। कितने पैसे वैसे कुछ मिलते हैं? हमें तो 3 महीना हो गया। 3 महीने हो गए अभी मिले नहीं। कितने रुपये सैलरी मिलती है यहाँ पे तुम्हें? 7,000 रुपये। 7,000 रुपये प्रति महीना? जी हाँ, तो देख सकते हैं 7,000 रुपये प्रति माह इनको मिलते हैं और वो भी 3 महीने से इनको नहीं मिल रहा है। तो ये स्थिति यहाँ पर जो है बन चुकी है खट्टा पहलादपुर की गौशाला की। बाकी आप लोगों ने न्यूज़ पर देखेंगे कि तस्वीर हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।